विवाद की मंडावली थाना क्षेत्र के 7 मजदूर उत्तराखंड में लापता। दरअसल मंडावली थाना क्षेत्र के गांव राजपुरा निवासी 7 लोग अरविंद कुमार, पंकज कुमार, वीर सिंह, संजय सिंह, ममराज, हिमांशु और कमल कुमार को उत्तराखंड का एक ठेकेदार मजदूरी करने के लिए लेकर गया था। बीते दिनों उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद से ही उन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिससे उनके परिजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर चिंता में हैं और लगातार उनके फोन पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मजदूरों के परिजनों ने मामले की सूचना मंडावली पुलिस को भी दे दी है। मजदूरों के लापता होने से उनके परिजन और ग्रामीण चिंता में हैं। हमारे गांव के 7 लड़के 1 तारीख में किसी ठेकेदार के साथ उत्तराखंड में काम करने गए थे, लेकिन जब से ये बाढ़ वहाँ आई है उससे 8 बजे तक तो उनसे संपर्क हो पाया, बात हो पाई उनके घर वालों की, लेकिन तब से 10 बजे के बाद उनसे अब तक संपर्क नहीं हो पाया। ये सूचना हमने मंडावली थाने में अपने हल्के में थाने में मंडावली थाने में दे दी गई है कि हमारे बच्चों का, हमारे गाँव का जो बच्चे काम करने गए थे उनका पता लग जाए, तो हमारे गाँव वालों को टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, उनके परिवार वालों को सबको परेशानी हो रही है। तो 7 में से किसी का भी मोबाइल नहीं लग रहा? 7 में से किसी का भी मोबाइल नहीं लग रहा जी, कोई खबर हमें नहीं आई, कोई खबर नहीं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। थाने वाले भी जिससे भी पता चल गया, ठेकेदार के उनके परिवार वाले गए थे तो ठेकेदार का लड़का या किसी से बात हुई तो वो ये बोल रहा कि वहाँ के टावर काट दिए गए हैं फोन के, जिस वजह से बात नहीं हो पाई। परिवार वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले सब परेशानी में हैं, सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वे ठीक ठाक हो, लेकिन अभी उनसे जब कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो ठेकेदार जिसके साथ गए थे उससे फोन बात हुई किसी से? सुना ये जा रहा है कि वो ठेकेदार भी हुई है लेकिन उसके बच्चे उच्चे से या भाई से किसी से बात हुई इनकी, तो अभी उससे पूरा सही जानकारी नहीं मिल पा रही। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट।